हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। मैं हूँ आयुष और हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट सेशन में हमने प्रीएम्बल कंप्लीट कर लिया। आज से हम आर्टिकल 1 शुरू करेंगे जिसमें हमारे यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आज हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है और जो टेरिटरीज हैं इंडिया की, जहाँ तक भी इंडिया फैला हुआ है, वो जो है उस पर कौन कौन से लॉज कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ऑलराइट, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है वो कहता है कि भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट से बना है, बहुत सारे स्टेट को मिला करके बना है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट से बना है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न दो चीज़ों के साथ डील करता है। एक जो आर्टिकल 1 है ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ये एक तो हमारे देश का क्या नाम है और दूसरा हमारी पॉलिटी किस टाइप की है, लाइक हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट हैं ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बीआर अंबेडकर, यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजंस। डॉक्टर बीआर अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है उसको हम लोग प्रेफर किए फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पे, इसके दो कारणों की वजह से। इंडियन फेडरेशन जो है ये बहुत सारे स्टेट के जो जितने भी सारे स्टेट हैं हमारे पास, उन सब के एग्रीमेंट की वजह से इंडियन फेडरेशन नहीं बना है। ऑलराइट, जिस तरह से अमेरिकन फेडरेशन है उस तरह से हमारा इंडियन फेडरेशन नहीं है। दूसरी बात, जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडियन फेडरेशन से बाहर निकल जाए, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इन दो कारणों की वजह से उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफर किया ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट, द फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल। हमारा जो फेडरेशन है वो एक यूनियन है बिकॉज इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी स्टेट हमारे कंट्री को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, वो राइट उसके पास नहीं है, इसलिए कहते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल। ऑलराइट, द नेक्स्ट है हमारे पास, द कंट्री इज़ एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे जो कंट्री है वो इंटीग्रेटेड है एज अ होल, हमने उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 के हिसाब से जो टेरिटरी है ऑफ इंडिया उसको तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं हमारे पास, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास, केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास, और तीसरा वैसे टेरिटरीज जो कि बाद में कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है किसी भी टाइम पे। तो तीन हिस्सों में इसको बांटा गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया होंगी वो तीन तरीके की होंगी, एक जो हमारे पास स्टेट्स हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, और एक वैसे सारे टेरिटरीज जो कि बाद में कभी हमारा कंट्री एक्वायर कर सकता है। ऑलराइट, सो द नेम्स एंड नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मैंशनड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सारे स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम, और जो हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट है, कितनी दूर तक वो फैला है, ये सब मैंशन किया गया है कि इसमें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रजेंट अभी जो है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे कंट्री में, और एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स में एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है अंडर पार्ट 21, जो कि जनरल प्रोविज़न जो है उससे हट करके है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, जब हम लोग पार्ट 21 डिस्कस कर रहे होंगे। ऑलराइट, देन हमारे पास फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल हैं, जिसमें कि सेपरेट प्रोविजंस रखे गए हैं कि शेड्यूल एरिया और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कैसी होगी, इसके लिए हमने फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल बना रखा है। ऑलराइट, देन है हमारे पास कि द स्टेट्स आर मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर। जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो हमारे फेडरल सिस्टम का हिस्सा हैं, और जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, जिस पे स्टेट प्रोविजंस या लॉ बना सकती है इन स्टेट लेजिस्लेचर, और कुछ ऐसे लिस्ट्स हैं जो सेंट्रल लिस्ट हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे सेंटर लॉज बनाएंगी इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ऑलराइट, इन द पार्लियामेंट। सो इस तरह से इस बेसिस पे कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है विथ सेंटर। और भी बहुत सारे एरियाज़ में ये चीज़ एप्लीकेबल है, हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे इसको। यूनियन टेरिटरीज और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी उनके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं है, और वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वही उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेगी, यूनियन टेरिटरीज और कोई भी जो एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी हमारी भारत की। यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, देन इंडिया जो भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करेगा वो ऐसा नहीं कि किसी भी देश पे हमला करके वो एक्वायर कर ले। ऑलराइट, मतलब अगर कोई इंस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई अदर कंट्री हम पे हमला ना करे और पहले हम ही किसी पे जाके हमला कर दें कल को और वहाँ के टेरिटरी को हम लोग अपने अंदर मिला लें, तो ये नहीं हो सकता। हम लोगों को इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने होंगे किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर करने में। तो उसमें क्या कौन कौन से लॉज में कौन कौन सा प्रोसीजर आता है, तो वो है सेशन, जिसमें कि ट्रीटी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ट्रीटी होगी तो हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, गिफ्ट के तौर पे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं और प्लेबिसाइट करके ले सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है जो ऑक्यूपेशन। अगर कोई ऐसी एरिया है जहाँ के रूलर जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है इंटरनेशनली, तो हम उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और उसके बाद है कॉन्क्वेस्ट से कर सकते हैं और सब्जुगेशन से कर सकते हैं। ऑलराइट, देन आर्टिकल 2 जो है हमारे पास, अब आर्टिकल 1 यहाँ पे समाप्त होता है हमारे पास, अब आर्टिकल 2 में क्या लिखा है वो हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 2 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंग्स फिट। तो आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे भारत में कोई भी नई स्टेट को, अगर वो समझता है कि हाँ ये लेजिबल है, तो वो उसको एडमिट कर सकता है, ला सकता है, उस स्टेट को बना सकता है, अपने अंडर ला सकता है। ऑलराइट, ये कहता है हमारा आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 जो है हमारे पास ये दो पावर्स देता है पार्लियामेंट को। पहला, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, कोई भी नई स्टेट को इंडिया भारत में मिलाने का पावर देता है। और दूसरा कि एक नया स्टेट ऑल टुगेदर, एक नई स्टेट बनाने के लिए इस्टेब्लिश करने का भी पावर वो आर्टिकल 2 से हमारे पार्लियामेंट को मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल 3 की बात हम करेंगे। आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटर से ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 क्या कहता है,
के आर्टिकल 3 से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों के पार्लियामेंट को ये भी पावर है कि वो इंटरनली रीएडजस्ट कर सकते हैं हमारे जो स्टेट्स हैं उसके बाउंड्रीज़ को, उसके नेम्स को, अगर वो चाहे तो दो स्टेट्स को अलग अलग बांट सकते हैं या किसी दो स्टेट्स को मिला सकते हैं। ये आर्टिकल 3 हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज द रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। सो पार्लियामेंट के पास जो रीऑर्गेनाइज करने की पावर्स हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 3 हमारे पार्लियामेंट को ये पावर्स प्रोवाइड कराता है। तो ये पावर्स कुछ इस प्रकार से हैं कि पार्लियामेंट कोई भी नई स्टेट बना सकता है बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से तोड़कर उसको एक अलग न्यू स्टेट बना सकता है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स लाइक तेलंगाना बनाया गया, झारखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया और भी बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए, तो किसी एक एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़कर एक और नया स्टेट बना सकता है या किसी दो स्टेट को मिला करके एक स्टेट बना सकता है या फिर पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट, और कोई भी टेरिटरी को किसी स्टेट में मिलाकर उस स्टेट का ही नाम रहने दिया जाएगा लेकिन उस अदर टेरिटरी को भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। दूसरा क्या कर सकता है ये आर्टिकल 3 के अंदर कि किसी भी स्टेट के एरिया को हम लोग बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट में, उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर किया जा सकता है और किसी भी स्टेट के नेम को भी ऑल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ऑलराइट, तो आर्टिकल 3 से ये पावर्स जो हैं पार्लियामेंट को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्टिकल 3 जो है ये दो कंडीशन जो है वो दिखाता है, दो कंडीशंस को फॉलो करने के लिए बोलता है। वो दोनों कंडीशंस क्या हैं, अगर आपको वो पावर आपको यूज़ करनी है जो आर्टिकल 3 में दिया हुआ है तो उसके लिए आपको दो कंडीशंस को फॉलो करना है। वो दो कंडीशंस हैं आपकी कि जो भी बिल पास होंगी जो पार्लियामेंट में वो कहीं और से नहीं बल्कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस की जा सकती है वो बिल, और प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पे ही वो, पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी, अगर वो रिकमेंड करते हैं तभी आप उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, देन बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, उस बिल को रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट भी वो जो बाउंड्रीज़ की अगर रीएडजस्टमेंट है या नेम को चेंज करना है या कुछ भी जो ऐसा कुछ काम करना है अंडर आर्टिकल 3, तो प्रेसिडेंट जो है उस सेम जो बिल होगी उसको स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी स्टेट के लिए वो काम हो रहा है उसके स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे और उनका व्यूज़ मांगेंगे कि आप बताइए इसका व्यूज़ क्या है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कुछ समय अंतराल में ही, उनको इनफिनाइट टाइम नहीं दिया जाएगा, कुछ समय अंतराल में ही उनको अपने व्यूज़ बताने होंगे। लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं और जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के व्यूज़ पे बाउंड नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट बोल दे कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो वो बिल फिर और वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा है कि वो अगर ना बोलें तो उसमें कुछ जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं, कुछ अमेंडमेंट्स कर सकती हैं या फिर ऑल टुगेदर उनके व्यूज़ को नकारा भी जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है और बिल को पास करा दिया जा सकता है। ऑलराइट, लेकिन अगर एक यूनियन टेरिटरी है तो प्रेसिडेंट ये काम नहीं करते हैं, उसमें जो अगर रिकमेंडेशन आई, जो बिल आने वाला है अगर वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए आए तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको रिकमेंड कर देते हैं और वो बिल पास कराया जा सकता है। ऑलराइट, देन पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। इससे हमें क्या पता चलता है
कि स्टेट के व्यूज को का कोई मैटर है नहीं यहाँ पे, तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो हमारे पॉलिटिकल मैप को, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को वो रीड्रॉ कर सकती है अपने विल पे, उसको किसी के किसी भी स्टेट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन इन अंडर आर्टिकल 4 itself declares that law made under Article 2 and under Article 3 are not considered as amendments of the Constitution under Article 368. जो Article 4 है हमारे पास हमारे Constitution में, वो कहता है कि जो भी laws बनाए जाएंगे under Article 2 and under Article 3 वो जो हैं constitutional amendment नहीं होंगे, इसलिए वो Article 368 से अमेंड होके बनाया जाए ऐसा नहीं होगा। इस कारण से क्या होता है कि इस तरह के जो भी लॉज बनते हैं जो अंडर आर्टिकल 2 और अंडर आर्टिकल 3 दिए हुए हैं, तो ये सब जो लॉ हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से इनको पास करा लिया जाता है बाय मेकिंग इट अ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से इसको बनाकर पास कर लिया जाता है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे स्टेट्स हैं और जो हमारा यूनियन टेरिटरीज़ है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, ये हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस समय हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, जब हम लोग स्वतंत्रता हमें मिली, उस समय पे इंडिया को दो कैटेगरीज में बांटा गया था, दो यूनिट्स में, पॉलिटिकल यूनिट्स थे हमारे पास। एक था हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस, दूसरा था हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई थी 1947 की, उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि जो भी चाहें वो, उनके पास ये शर्त थी कि या तो आप भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं या आप आज़ाद रह सकते हैं। तो उस वक्त पे इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से 549 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया ज्वाइन कर लिए और तीन बच गए, जो तीन वो नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, उन्होंने कहा हम आज़ाद रहना चाहेंगे। उसमें कौन कौन से थे वो इस प्रिंसली स्टेट्स? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो बाद में फिर पुलिस एक्शन करके हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया, मिला लिया गया, रेफरेंडम करा के जूनागढ़ को मिला लिया गया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को भारत में मिला दिया गया। फिर 1950 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे स्टेट्स को चार ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया और उसको नाम दिया गया पार्ट ए, जिसमें उस समय जो भी प्रोविंसेस जो गवर्नर्स के अंदर में थे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस, तो वैसे 9 प्रोविंसेस को पार्ट ए में रखा गया। 9 प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास अपनी लेजिस्लेचर थी, कानून बनाने की व्यवस्था थी, उनको पार्ट बी में रखा गया और जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे अंडर ब्रिटिश इंडिया, वैसे 10 प्रोविंसेस को पार्ट सी में रखा गया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को पार्ट डी में रखा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये जो पार्ट है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, ये यहीं पे आज मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में हम लोग जो लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन हुआ, लिंग्विस्टिक आधार पे जो भी स्टेट्स बनाने के लिए जो भी कमीशंस और कमेटी लाई गई उसको डिस्कस करेंगे, और न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो 1956 के बाद क्रिएट हुए उन सारे स्टेट्स को हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।